हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको SBI स्मार्ट स्कॉलर प्लान के बारे में डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको SBI स्मार्ट स्कॉलर प्लान क्या है, SBI स्मार्ट स्कॉलर प्लान के फीचर्स क्या क्या हैं, इस प्लान के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, SBI स्मार्ट स्कॉलर प्लान के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, इस प्लान के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, इस प्लान की प्रीमियम कितनी होती है, और SBI स्मार्ट स्कॉलर प्लान कैसे ख़रीदें, इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊँगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, SBI स्मार्ट स्कॉलर प्लान एक इंडिविजुअल यूनिट लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, यानी कि ये एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान है जो बच्चे के भविष्य को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। इसके माध्यम से ऐसे माता पिता जिनकी 17 साल से कम आयु के बच्चे हैं, इस इंश्योरेंस प्लान के माध्यम से अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। दोस्तों, SBI स्मार्ट स्कॉलर प्लान में आपको लिमिटेड पीरियड के लिए प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, जबकि आप पॉलिसी का बेनिफिट तब तक प्राप्त कर सकते हैं जब तक आपका बच्चा वयस्क नहीं हो जाता है। दोस्तों, SBI स्मार्ट स्कॉलर प्लान में आपको अपने पसंद के अनुसार और जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार, यानी कि रिस्क कैपेबिलिटी के अनुसार, अपने पैसों को 9 अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट करने का आपको ऑप्शन मिलता है। पॉलिसी अवधि की समाप्ति पर आप एक्यूमुलेटेड फंड वैल्यू यानी कि संचित निधि मूल्य का उपयोग अपने बच्चों की हायर स्टडीज़, मैरिज, फिनेंशियल सिक्योरिटी या अन्य किसी चीज़ के लिए कर सकते हैं। इसमें आपको विड्रॉल की भी सुविधा दी जाती है। इसके माध्यम से आप अपने अनप्लान्ड एक्सपेंसेस यानी कि अनियोजित खर्चों को आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, SBI स्मार्ट स्कॉलर प्लान में पॉलिसी अवधि के दौरान इंश्योर्ड व्यक्ति की डेथ होने की स्थिति में नॉमिनेटेड व्यक्ति को एकमुश्त इंश्योरेंस की अमाउंट का पेमेंट किया जाता है। इस स्थिति में भविष्य में पे किए जाने वाले प्रीमियम को भी माफ़ कर दिया जाता है। इस प्रकार आप एकमुश्त इंश्योरेंस की अमाउंट प्राप्त करने के साथ साथ प्रीमियम वेवर बेनिफिट भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें SBI स्मार्ट स्कॉलर प्लान के फीचर्स की यानी कि विशेषताओं की, तो दोस्तों, इस पॉलिसी में पॉलिसी धारक की पॉलिसी अवधि के दौरान डेथ होने पर नॉमिनेटेड व्यक्ति को एकमुश्त इंश्योरेंस की अमाउंट दी जाती है। दोस्तों, इंश्योर्ड व्यक्ति की डेथ होने की स्थिति में भविष्य में पे किए जाने वाले प्रीमियम इसमें माफ़ कर दिए जाते हैं। इसमें आपको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट एंड एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट का आपको लाभ दिया जाता है। दोस्तों, इसमें आपको लॉयल्टी एडिशन का भी बेनिफिट दिया जाता है। इसमें आपको अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए 9 अलग अलग फंड ऑप्शंस मिलते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी फंड में अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको डबल बेनिफिट प्राप्त होता है। आप इंश्योरेंस कवर प्राप्त करने के साथ साथ मार्केट लिंक्ड रिटर्न भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको अपनी लाइफ इंश्योरेंस को अपनी ज़रूरत के अनुसार बदलने का आपको ऑप्शन मिलता है। आप ज़रूरत पड़ने पर पॉलिसी के 6 साल से आप पार्सल विड्रॉल भी यहां पर कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें SBI स्मार्ट स्कॉलर प्लान के बेनिफिट्स की, तो इस प्लान में आपको मैच्योरिटी बेनिफिट प्राप्त होता है। SBI स्मार्ट स्कॉलर प्लान में अगर पॉलिसी अवधि के पूरे होने तक इंश्योर्ड व्यक्ति जीवित रहता है तो उसे फंड वैल्यू का एकमुश्त पेमेंट किया जाता है। दोस्तों, इस प्लान में आपको डेथ बेनिफिट भी प्राप्त होता है। SBI स्मार्ट स्कॉलर प्लान में इंश्योर्ड व्यक्ति की डेथ की स्थिति में ओरिजिनल इंश्योरेंस की अमाउंट से अधिक या डेथ की तारीख तक प्राप्त कुल प्रीमियम के 105% के बराबर एकमुश्त इंश्योरेंस की अमाउंट आपके द्वारा नॉमिनेटेड व्यक्ति को दी जाती है। इंश्योर्ड व्यक्ति की डेथ की स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड व्यक्ति की ओर से भविष्य के प्रीमियम का पेमेंट करना जारी रखती है, जो कि इनबिल्ट प्रीमियम वेवर बेनिफिट के अंतर्गत कंपनी ये पे करती है, और एक्यूमुलेटेड फंड वैल्यू यानी कि संचित फंड मूल्य का आपका पेमेंट मैच्योरिटी पर आपके द्वारा नॉमिनेटेड व्यक्ति को किया जाता है। दोस्तों, इंश्योर्ड व्यक्ति की डेथ की स्थिति में या फिर स्थायी विकलांगता की स्थिति में सम एश्योर्ड के बराबर एक्स्ट्रा बेनिफिट आपके द्वारा नॉमिनेटेड व्यक्ति को दिया जाता है। दोस्तों, इस प्लान में आपको टैक्स बेनिफिट भी प्राप्त होता है। SBI स्मार्ट स्कॉलर प्लान में आपको इंडिया में लागू इनकम टैक्स लॉ के अनुसार आप इनकम टैक्स में छूट के लिए आप यहां पर एलिजिबल होते हैं, और ये बेनिफिट समय समय पर इनकम टैक्स लॉ के अनुसार चेंज होते रहते हैं।
दोस्तों बात करें SBI स्मार्ट स्कॉलर प्लान के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि पात्रताओं की, तो इसमें एज एट एंट्री, मिनिमम एज एट एंट्री पेरेंट्स की ये 18 ईयर्स है और चाइल्ड के लिए ये 0 है। वहीं मैक्सिमम एज एट एंट्री की बात करें तो ये पेरेंट्स के लिए 57 ईयर्स यानी कि 57 साल है और चाइल्ड की 17 ईयर्स है। वहीं एज एट मैच्योरिटी की बात करें तो इसमें मिनिमम एज एट मैच्योरिटी चाइल्ड की 18 ईयर्स हो सकती है और मैक्सिमम पेरेंट्स की ये 65 ईयर्स है। दोस्तों ये प्लान आपको लिमिटेड प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम दोनों प्लान ऑप्शन के साथ आता है। दोस्तों इसमें पॉलिसी टर्म की बात करें तो ये इसमें आपको 8 साल से लेकर 25 साल के बीच आपको पॉलिसी टर्म चुनने के लिए मिलता है। दोस्तों बात करें SBI स्मार्ट स्कॉलर प्लान के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की, यानी कि इस प्लान को अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। दोस्तों इस प्लान को ख़रीदने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म की ज़रूरत होगी। आप इस फॉर्म को SBI की नज़दीकी ब्रांच में जाकर भी आप प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप इसे SBI लाइफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपके एज प्रूफ की ज़रूरत होगी, आपके इनकम प्रूफ की ज़रूरत होगी, ID प्रूफ की ज़रूरत होगी और एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत होगी। दोस्तों बात करें SBI स्मार्ट स्कॉलर प्लान के प्रीमियम की, तो ये प्लान दो ऑप्शंस के साथ आता है, सिंगल प्रीमियम या फिर लिमिटेड प्रीमियम। यहाँ पर प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो ये प्लान सिंगल प्रीमियम या फिर 5 साल से लेकर 25 साल के बीच आपको प्रीमियम पेइंग टर्म चुनने के लिए मिलता है। दोस्तों इस प्लान में प्रीमियम रेंज की बात करें तो ये 100 के मल्टीपल्स में होता है और मैक्सिमम प्रीमियम रेंज, मैक्सिमम प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों इस प्लान में बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो लिमिटेड प्रीमियम के लिए ये एनुअलाइज्ड प्रीमियम का 10 गुना होता है और सिंगल प्रीमियम 1.25 टाइम होता है। दोस्तों SBI स्मार्ट स्कॉलर प्लान को आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों माध्यमों से अपनी सुविधा के अनुसार खरीद सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से ख़रीदने के लिए आपको SBI लाइफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस प्लान को ख़रीदना होगा। आप वहां पर आसान से स्टेप्स को फॉलो करके आप घर बैठे कुछ ही मिनटों में आप इस प्लान को खरीद सकते हैं। दोस्तों ऑफलाइन माध्यम से आप इंश्योरेंस एजेंट के माध्यम से इस प्लान को ख़रीद सकते हैं। आप इसे SBI बैंक की नज़दीकी ब्रांच में जाकर भी आसानी से इस प्लान को ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को SBI स्मार्ट स्कॉलर प्लान के बारे में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।